कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए हैं। श्रम मंत्रालय के अनुसार फरीदाबाद के ईएसआईसी हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में 440 एलपीएम क्षमता वाला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया है, जबकि नई दिल्ली के जिलमिल में स्थित ईएसआईसी अस्पताल में 220 एलपीएम की क्षमता वाली ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट स्थापित की गई है। पिछले 24 घंटे में ईएसआईसी को 2 ऑक्सीजन प्लांट्स स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त हुए। एक ऑक्सीजन प्लांट जो जिसकी क्षमता 440 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन की है, उसकी स्थापना हम लोग ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फरीदाबाद में करने जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में इसकी टेस्टिंग की गई है, उसको स्थापित किया जाए और आज शाम तक उसको हमारे ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन से इंटीग्रेट किया जाएगा और वो पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा ऑक्सीजन प्लांट ईएसआईसी झिलमिल में हम लोग को प्राप्त हुआ है। इसकी क्षमता 120 लीटर पर मिनट है और ये कल तक चालू हो जाएगा। इन दोनों प्लांट से हम अतिरिक्त अपने बेड्स वेंटिलेटर से चला सकते हैं और अतिरिक्त आईसीयू बेड्स की भी उपलब्धता कर सकते हैं। अब तक देश भर में ईएसआईसी के 30 अस्पतालों में कोविड रोगियों के लिए 4200 बेड्स की व्यवस्था की जा चुकी है, जिनमें से 300 बेड्स आईसीयू सुविधा और 250 बेड्स वेंटिलेटर सुविधा से युक्त हैं। चिकित्सा देखभाल एवं राहत को लेकर तो ईएसआईसी द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। ये जो कदम उठाए गए हैं, ना केवल हमारे बेनिफिशरीज के लिए, लेकिन देश की आम जनता के लिए भी हम लोगों ने खोल दिया। देश भर में करीब 30 अस्पताल ऐसे हैं जो डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है। इनमें 4200 बेड हैं हमारे, जिसमें से 300 आईसीयू बेड्स हैं और 250 ऐसे बेड हैं जो वेंटिलेटर्स के लिए हैं और ये सभी नागरिकों के लिए हम लोगों ने खोल दिए। इन अस्पतालों में बेड्स की उपलब्धता जानने के लिए सभी नागरिकों के लिए हम लोगों ने एक डैशबोर्ड भी स्थापित किया है, जिसमें बेड्स की उपलब्धता के बारे में पता चल सकता है।